हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ शुभम रोहेला। और ये वीडियो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होने वाली है क्योंकि आज का टॉपिक ये बहुत सेंसिटिव है। जी हाँ, आज के इस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं फॉरएवर के कौन से प्रोडक्ट किसी को रिकमेंड नहीं करने। रिकमेंड करने वो तो वीडियोज मैंने बहुत सारी बना रखी, लेकिन कौन से प्रोडक्ट कौन सी लोगों को रिकमेंड नहीं करने वो मैं बताना चाहता हूँ आज के इस वीडियो में, ठीक है। सो वन मोर थिंग, अगर आप मेरे टीम में हैं तब भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप मेरी टीम से नहीं है तब भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वी ऑल आर द पार्ट ऑफ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, जो कि इतनी एक जेन्युइन कंपनी है उसके हम पार्ट है। दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो। तो मैं चाहता हूं आप अपने डाउनलाइंस के पास भी इस इन्फॉर्मेशन, इस वीडियो को जरूर पहुंचा दें, सो दैट वो भी अगर ऑफ ट्रैक जा रहे होंगे तो थोड़ा ट्रैक पे आ जाएंगे। देखिए, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स एक जेन्युइन नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है जो कि सप्लीमेंट्स बनाती है, ये कोई मेडिसिन नहीं बनाती है। पहली बात तो एक्चुअली बहुत सारी गलतियां भी आजकल जो हमारा यूथ है, जो नया यूथ आ रहा है, उनको या तो सिखाया ऐसे ही जा रहा है या फिर उनको नॉलेज ही नहीं है और वो बहुत गलत तरीके से हमारे फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको रिकमेंड कर रहे हैं। क्योंकि मेरी बहुत सारी वीडियोस ट्रेंडिंग में रहती है, मुझे बहुत सारे लोग डीएम्स करते हैं, मैसेज करते हैं, इवन मेल पर लिखते हैं कि मुझे किसी ने ये रिकमेंड किया है, क्या ये सही है कि नहीं है। सो वो सारे जो मिथ्स अभी आपके हैं वो सारे मिथ्स हटने वाले हैं। अलोंग विद दैट, जो आपकी गाड़ी ऑफ ट्रैक हो चुकी है, इस वीडियो को देखने के बाद आपकी गाड़ी ऑन ट्रैक आ जाएगी, दैट्स फॉर श्योर। वन मोर थिंग, अगर चैनल पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, हिट दी सब्सक्राइब बटन और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लेना, क्योंकि अमेजिंग कॉन्टेंट आपको मिलने वाला है एब्सोल्युटली फ्री, ठीक है। इससे आपका तो फायदा होगा ही होगा, इसके बाद आपका एक सब्सक्राइब से मेरा भी फायदा हो जाएगा। सब्सक्राइब कर लिया, थैंक यू सो मच। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपने अगर 2cc कर ली, मैं अभी क्या देख रहा हूँ मार्केट में क्या चल रहा है, लोगों को 2cc करा देते हैं लोग और उनके पास जो प्रोडक्ट्स आ जाते हैं ना, फिर वो किसी को भी रिकमेंड कुछ भी कर देते हैं। मतलब इतने गलत गलत तरीके से लोगों ने रिकमेंड कर रखा है लोगों को, मेरा दिमाग खराब हो जाता है कि मैंने कहा यार ये ऐसे तो ना फॉरएवर कंपनी के जो जेन्युइन इतने प्रोडक्ट्स हैं, जो एक्चुअल प्रोडक्ट्स हैं यार, प्रोडक्ट्स में दम है, उन प्रोडक्ट्स में की नेगेटिविटी फैलना स्टार्ट हो जाएगी। तो दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो। तो इस वीडियो को आपको अपने डाउनलाइंस तक शेयर जरूर जरूर करना चाहिए मेरे हिसाब से, अगर आप चाहते हो आपके डाउनलाइंस सही से काम करें। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ जो मेरे को लगती है, अभी बहुत सारे कमेंट्स या फिर बहुत सारे मैसेज मेरे पास आते हैं कि देखिए, पहली बात तो आप ये समझ के चलिए, हमारे जो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के जो प्रोडक्ट्स हैं ये प्योर सप्लीमेंट्स हैं, ये कोई मेडिसिन बिल्कुल नहीं है, ये कोई भी डिजीज़ को क्योर नहीं करते हैं। ये क्योर करने जो आपकी मेडिसिन आपकी चल रही है उसके साथ अगर आप चलाओगे तो आपकी मेडिसिन की और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करके उनके इफेक्ट्स को आपकी बीमारी जल्दी ठीक हो सकती है, उसमें एज ए कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं। या फिर जैसे कहते हैं प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, आपको लगता है आपको डायबिटीज़ होने वाली है, उससे पहले सप्लीमेंट्स चालू स्टार्ट कर दो, आपको डायबिटीज़ नहीं होगी, ठीक है। बट ये कोई मेडिसिन बिल्कुल नहीं है, पहली बात तो, ठीक है। सबसे ज़्यादा केसेज मेरे पास अभी आते हैं, तीन सबसे ज़्यादा केसेज मैंने उठाए, वैसे तो बहुत सारे केसेज आते हैं, तीन केसेज मैंने उठाए हैं। पहला केस है डायबिटिक पेशेंट्स। मैंने लोगों को देखा है, लोग क्या करते हैं कि आई एम अ डायबिटिक पेशेंट, किसी ने मेरे को ये फोटो रिकमेंड किया है तो वो फोटो भेजते हैं। मतलब आपने नेक्टर, आरजी प्लस, ये सब हनी बी पॉलन, ठीक है, ये सारे प्रोडक्ट किसी एक डायबिटिक पेशेंट को आपने रिकमेंड कर रखे हैं। सोचिए कितनी ब्लंडर मिस्टेक आप कर रहे हैं। तो देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, डायबिटिक पेशेंट मतलब जिसकी शुगर लेवल बढ़ा हुआ होता है, उसमें हमें कोई भी अपना मीठा प्रोडक्ट किसी को रिकमेंड नहीं करना है। मैंने देखा लोगों आरजी प्लस रिकमेंड कर रखा है शुगर पेशेंट को, नेक्टर, पीचेस, मैंगो, ये सारी ड्रिंक्स आपने रिकमेंड कर रखी हैं, आरजी प्लस रिकमेंड कर रखा है ना। मतलब जो भी हमारा प्रोडक्ट मीठा है जिसके अंदर नेचुरल शुगर भी है, वो भी आप किसी को रिकमेंड नहीं कर सकते, नहीं करना भी नहीं चाहिए, कंपनी भी बोलती है नहीं करना चाहिए, लेकिन आपने कर रखा है। और एक बात बताइए, आपने एक कोई डायबिटिक पेशेंट है, आपने उसको ये सारी चीज़ें प्रोडक्ट रिकमेंड कर दिए, कहीं ऊपर नीचे हो गया डायबिटीज उसकी और ज़्यादा हो गई, शुगर लेवल और शूट अप हो गया, फिर क्या करोगे? फिर तो ये बोलेगा ना फॉरएवर के प्रोडक्ट्स बेकार हैं, क्योंकि आपने उसको अच्छे से रिकमेंड नहीं किया है। देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर कोई भी डायबिटिक पेशेंट है और उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक येल्लो बॉटल ही चलती है, एक येल्लो बॉटल जो हमारे पास ये होती है, ये सिर्फ कोई अगर डायबिटिक पेशेंट है उसको सिर्फ यही रिकमेंड करिए एज अ सप्लीमेंट, इसके अलावा कोई भी ड्रिंक उसको रिकमेंड मत करिए, क्योंकि उसकी तबीयत और ही खराब हो जाएगी इससे। सेंसिटिव वीडियो, दैट्स वाई मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, ठीक है, कि मैं नहीं चाहता आपका बिजनेस भी खराब हो या फिर किसी की हेल्थ खराब हो अगर आप रिकमेंडेशन में थोड़ी बहुत गलती हो जाए तो, ठीक है। तो डायबिटिक पेशेंट को कोई भी हमारा ऐसा प्रोडक्ट बिल्कुल नहीं देना है जिसके अंदर शुगर है, चाहे कुछ मात्रा में ही शुगर है, हमें बिल्कुल नहीं देना है। हनी हो गया, बी पोलन हो गया, नेक्टर हो गया, एलो पीचीज हो गया, एलो मैंगो हो गया, है ना, ये सारे प्रोडक्ट जितने भी हैं जो मीठे हैं वो आपको डायबिटिक पेशेंट को बिल्कुल रिकमेंड नहीं करना है। अब आपके दिमाग में आएगा डायबिटिक पेशेंट को क्या रिकमेंड कर सकते हैं, हम उसको ये रिकमेंड कर सकते हैं, इसके साथ साथ हम डायबिटिक पेशेंट को आर्कटिक सी,
ये दो प्रोडक्ट आप किसी भी डायबिटिक पेशेंट को रिकमेंड कर सकते हैं एज अ सप्लीमेंट्स, ठीक है, ये दो, इसके अलावा मत करिए कोई भी, ठीक है। अलोंग विद दैट, दूसरा जो सबसे ब्लंडर मिस्टेक जो मुझे लग रहा है जो कि लोग कर रहे हैं, आजकल बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, लोग कंसीव नहीं कर पा रहे हैं ना, या फिर प्रेग्नेंट वुमेन्स को कौन कौन से प्रोडक्ट्स रिकमेंड करने चाहिए, मत करिए। लोगों ने, मैंने देखा है नेक्टर कि भाई आप ना अगर आपको कंसीव नहीं हो ना तो आप नेक्टर पी लीजिए, है ना, आरजी प्लस पी लीजिए। भाई क्या कर रहे हो, ये बिल्कुल नहीं रिकमेंड करने आपको ये प्रोडक्ट। देखिए कंसीव के लिए तो आप सिर्फ बी वो आती थी यहाँ पे पहले, या तो बी पोलन है हमारे पास, या फिर एक रॉयल जेली आती थी, आप वो रिकमेंड कर सकते हैं, इसके अलावा बिल्कुल रिकमेंड मत करिए। और अगर किसी ने कंसीव कर भी लिया है तो 4 से 5 महीने तक तो कोई सप्लीमेंट उसको दीजिए ही मत बिल्कुल भी। 5 से 6 महीने के बाद उनको आर्टिक्सिया फिर भी दे सकते हैं, लेकिन उससे पहले बिल्कुल मत दीजिए। इतनी ब्लंडर मिस्टेक्स लोग कर रहे हैं, और लोग मेरे पास मैसेज करते हैं कि किसी ने कंसीव करने के लिए मुझे ये प्रोडक्ट्स रिकमेंड किए हैं, ये मेरे घर पे आ गए, बताइए मुझे कैसे यूज़ करना है इनको। मतलब यूज़ करने का तरीका भी नहीं बता रहे, बस प्रोडक्ट भिजवा देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल मत करिए, प्रॉपर नॉलेज लीजिए, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव चीज़ें हैं। फॉरएवर का नाम तो खराब होगा ही होगा, इसके साथ साथ आपका नाम भी खराब होगा कहीं ना कहीं फैमिली में, अगर आप किसी को रिकमेंड कर रहे हो विदाउट नॉलेज, ठीक है। तो इन चीज़ों की पूरी नॉलेज लीजिए, ठीक है, क्योंकि मैंने अगर आपको हर प्रोडक्ट की नॉलेज चाहिए प्रॉपर अच्छी तरीके से कि कौन सा प्रोडक्ट किसी को कैसे रिकमेंड करना है, आप मेरी प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में मैंने एक वीडियो बना रखी है फॉरएवर प्रोडक्ट्स के बारे में कि कौन सा प्रोडक्ट किसको कैसे रिकमेंड कर सकते हैं, कैसे यूज़ करना है, वो सारी चीज़ें मैंने बता रखी हैं, जाके एक बार बात कर लेना। अलॉन्ग विद दैट, अगर आप मेरे से 1-to-1 डिस्कशन करना चाहते हैं कि किसी और प्रोडक्ट के बारे में अच्छे से जानकारी चाहते हैं, तो 1-to-1 सेशन का भी एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप मेरे से जूम पे बात कर सकते हैं 40 मिनट्स के लिए और अपनी प्रॉपर कंसल्टेंसी ले सकते हैं, ठीक है। और थर्ड जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वेट लॉस के लिए लोगों ने हनी दे रखा है, वेट लॉस के लिए लोगों ने अल्ट्रा लाइट में हनी मिला के पीने के लिए बोल रखा है। भाई क्या कर रहे हो, ये थोड़ा सा देख लीजिए, मैं कह रहा हूँ वापस प्लेलिस्ट जाके मेरी जेकी जो मैंने प्लेलिस्ट बना रखी आप लोगों के लिए, एब्सोल्युटली फ्री प्लेलिस्ट है, आप जाके एक बार चेकआउट करिए कि कैसे कौन सा प्रोडक्ट किसी को कैसे रिकमेंड कर सकते हैं, क्योंकि ये प्योर सप्लीमेंट्स हैं, ये कोई मेडिसिन नहीं है, ये कोई भी बीमारी को क्योर नहीं करते हैं, आप इस बात को समझिए। किसी को भी अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए किसी की हेल्थ के साथ मत खेलिए बिल्कुल भी, किसी की लाइफ के साथ बिल्कुल मत खेलिए, थोड़े से प्रॉफिट के लिए, ठीक है। सो जो भी रिकमेंड करना है अकॉर्डिंग टू द पॉलिसी अकॉर्डिंग रिकमेंड करिए, एज अ सप्लीमेंट ही रिकमेंड करिए, ठीक है। ये 3 चीज़ें मैंने बताई, वैसे तो बहुत सारी बीमारियों में लोग उल्टा सीधा कुछ कुछ कर रखे हैं, बट ये 3 सबसे इंपॉर्टेंट जो मुझे लगी, पहला है डायबिटीज़, दूसरा है कंसीव करने के लिए प्रेग्नेंट वुमेंस के लिए, और थर्ड है वेट लॉस के लिए। तो वेट लॉस में आपको सिर्फ एलोवेरा जेल ही चलाना है, इसके अलावा लोगों ने पीची चला रखा है जी, मैंगो चला रखा है, मतलब प्रोडक्ट बेचने के लिए कुछ भी करा रखा है। इवन अल्ट्रा लाइट में फुल क्रीम मिल्क मिला के हनी मिला के पिला रहे हैं लोगों को, भाई उससे वेट गेन होगा, वेट लॉस बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। और फॉरएवर फाइबर के अंदर हनी मिला के पिला रहे हैं, तो भाई ऐसे नहीं होता है, एक प्रॉपर चार्ट शीट बनती है, उसके अकॉर्डिंग ही सारे सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं। सो मैं तो चाहूँगा आप अपने अपलायंस से डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करिए और उनसे पूछिए, अगर आप फॉरएवर के एक्चुअल प्रोडक्ट एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो आपको प्रोडक्ट नॉलेज होनी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना प्रोडक्ट के आप इस बिजनेस को ज़्यादा लंबा नहीं चला सकते, ये बात बिल्कुल फैक्ट है, क्योंकि ये कंपनी ने ही बोल रखा है कि आपको अगर आप अच्छे लेवल पे आ गए आपको 4 CC करना पड़ेगा। 4 CC हर महीने खुद से कर लोगे क्या, 1 CC तो अपने ID से लेना ही पड़ेगा ना, 1 CC का हर महीने प्रोडक्ट तो आएगा ना, प्रोडक्ट वो आता रहेगा आपके घर पे, बनता रहेगा, स्टॉक बनता रहेगा, आप ना तो उनको आपको सेल करना आता, ना आप उनको यूज़ करना आता, फिर कैसे करोगे, ठीक है। खाली ज्वाइनिंग करा के आप लेवल तो अचीव कर लोगे, लेकिन कैसे सामने वाले के दिमाग में रेस्पेक्ट एक गेन कर पाओगे, आप किसी को प्रोडक्ट भी सस्ता दे दोगे चलो, लेकिन उससे फ़ायदा क्या है, आप ये सोच के चलिए, ठीक है। तो प्रोडक्ट्स जो इस कंपनी के प्रोडक्ट जो है वो प्योर बैकबोन है, प्योर प्रोडक्ट की नॉलेज लीजिए अच्छे से, रिकमेंड करिए, खूब बिकते हैं प्रोडक्ट। बहुत लोग बोलते हैं ना इतने महंगे प्रोडक्ट कौन लेता है, भाई खूब बिकते हैं प्रोडक्ट, खूब लेते हैं लोग, और उनको अच्छे से कंसल्टेंसी अगर आप दोगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट भी आता है, ठीक है। सो आई होप इस सेंसिटिव वीडियो से आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, और मैं चाहता हूँ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी डाउनलाइंस में शेयर करिए, क्योंकि ऐसे तो फिर फॉरएवर का नाम खराब ही होगा, क्योंकि अगर हम विदाउट नॉलेज है ना, विदाउट नॉलेज किसी को भी रिकमेंड करेंगे प्रोडक्ट्स, तो कहीं ना कहीं दिक्कत ही आने वाली है। सो ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस, ओवर मैसेज मेरे पास आने लगे थे, तो मुझे लगा एक प्रॉपर वीडियो बता देनी चाहिए, सो दैट लोगों की गाड़ी थोड़ी सी ट्रैक पे आ जाए। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट्स में अगर आप कोई पूछना चाहते हैं मेरे से कुछ क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी डाउनलाइन से जरूर शेयर करिए, सो दैट उनका दिमाग थोड़ा सा हटी सीधा ट्रैक पे आ जाए। और प्रॉब्लम आ रही है, क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, मेरे एक प्लेलिस्ट है, मैंने डाल रखी है प्लेलिस्ट, मेरे चैनल पर जाके प्लेलिस्ट पूरा चेक कर लीजिए, उसमें पूरा एक फॉरएवर के प्रोडक्ट के बारे में बता रखा है, तो वहाँ जाके भी आप फ्री में नॉलेज ले सकते हैं। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, लेट्स बिकम सक्सेसफुल टुगेदर, बाय बाय।